नमस्कार, बुंदेली दर्पण के बुंदेली टाइम्स को देख रहे आप। लौकुश नगर बीएमओ डॉक्टर एसपी साकेवार से बुंदेली दर्पण टीम ने चर्चा की, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के बारे में बताया, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का अमला काम कर रहा है, डोर टू डोर अब सर्वे हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील भी की और अफवाहें न फैलाएं ये भी कहा। कोविड-19 अभी अपनी वैश्विक महामारी के रूप में उभर रहा है। क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपस में दूरी बना के रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें और एक दूसरे से बोलते समय, छींकते समय, खांसते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, जिससे कि आपके थूक के कण, नाक के कण एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना पहुंचे, एक दूसरे पर ना गिरे। इससे आपकी सुरक्षा है और दूसरे की भी सुरक्षा है। दूसरा, सामान्य सर्दी खांसी से डरे नहीं, उसका इलाज संभव है और सभी ठीक हो रहे हैं। इवन ये है कि लोग भ्रांतियां ना फैलाएं और झूठ ना बोलें। कई बार क्षेत्रों से इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं कि फला व्यक्ति वहां से आया है, तबलीगी जमात से आया है, जबकि वो सब असत्य पाई गई। ऐसी सूचनाएं देना बंद करें क्षेत्रवासी और एक दूसरे को भय का वातावरण उत्पन्न ना करें, दूसरे ऐसी वातावरण ना बनाएं कि आदमी डरने लगे। इसका इलाज भी संभव है, केवल अपनी सावधानी ही बचाव है। हाथ धोते रहें, बार बार हाथ धोएं, कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो हाथ धोएं, किसी व्यक्ति को टच नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है और दूरियां बना के रखना है और भ्रांतियां बिल्कुल नहीं फैलाना। ब्लॉक लेवल पर तो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, ग्रामीण लेवल पर किस तरीके से? ग्रामीण लेवल पर हमारी रैपिड टीम बनी हुई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय हैं। जहाँ से भी सूचना आती है वहाँ हम तत्काल चिकित्सक दल वहाँ जाके चेक करता है और निष्कर्ष पर पहुँचता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर चौहान, डॉक्टर मिश्रा जी और मैं स्वयं, डॉक्टर लखन सिंह चंदला और बछौन देख रहे हैं। जगह जगह तुरंत बिल्कुल जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल वहाँ परीक्षण करते हैं और लोगों को समझाइश भी देते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, केवल दूरियाँ बना के रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं का भी सहारा लिए तो क्या ब्लैक लेवल पर भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूट कराई जा रही है? ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो दवाई आई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो अभी हमने स्टाफ के लोगों को बटवाई है, कुछ अन्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी वो प्रदान किए हैं। तो सर्वे हो रहा है जिसमें हमारी एक ANM है, शिक्षक है और नगर पालिका के कर्मचारी भी हैं उसमें। तो घर घर जाके ये देखेंगे कि कहीं किसी को खांसी, जुकाम, तेज बुखार तो नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उसका सिस्टर थर्मामीटर से परीक्षण करेंगे। अगर उनके समझ में नहीं आता तो हमको या किसी भी चिकित्सक को सूचित करेंगे, तो हम लोग उसका परीक्षण करेंगे। तो पूरा गांव से लेकर और सब जगह? हाँ, अभी शहर में आज हो रहा है, लवकुश नगर और चंदला में। कल से अपना सभी हर गाँव में ये सब सर्वे होगा।